संपूर्ण भारत में 90% विवाद के पीछे का कारण जर जोरू और जमीन होता है। अब तो लोगों के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है जिसमें संबंधी व्यक्ति के जिंदा रहते लोगों से मृतक घोषित कर संपत्ति का वरासत दर्ज करवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी तहसील क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठिंगाहा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर निवास करने वाले राम सत्य ओझा की पुत्रवधु शशि ओझा पत्नी सूर्य प्रकाश ओझा ने गले में तख्ती डालकर उप जिलाधिकारी कार्यालय अमेठी के सामने परेड निकाल ली, जिसमें यह लिखा हुआ था कि साहब मुझे जिंदा कर दीजिए। एक जिंदा व्यक्ति अधिकारियों से इस बात की गुहार लगा रहा है कि मुझे जिंदा कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, क्योंकि कागजों में उसे मृतक घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, उसके नाम सड़क के किनारे जो बेशकीमती जमीन थी उसका वरासत भी करा लिया गया है। ऐसे में कागजों में मृत शशि ओझा अधिकारियों से अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। ऐसे में राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है, जिसके चलते एक जीवित महिला जिंदा होते हुए भी कागजों में मृतक हो गई है। अधिकारियों का ऐसा कृत्य करने और करने वाले दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाना चाहिए। असल में पूरा मामला आपको बताते हैं कि अमेठी तहसील क्षेत्र के ग्राम समा ठेंगा निवासी राम सत्य ओझा के छोटे पुत्र सूर्य प्रकाश की 2 शादियां हुई हैं। सूर्य प्रकाश ओझा की पहली पत्नी शशि ओझा है। सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर नई दिल्ली में रहता था। सूर्य प्रकाश की पहली पत्नी शशि से 2 संतानें भी हैं, किंतु कालांतर में दोनों के बीच मतभेद होने के चलते दूरियां बढ़ती गईं और सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो गया। ऐसे में एक संतान शशि ओझा के पास रहती है, जबकि दूसरी संतान यानी लड़का ठिंगा गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। संबंध विच्छेद होने के बाद सूर्य प्रकाश ने दूसरी शादी कर ली। अभी कुछ दिनों पहले ही सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अभी तक उसकी वार्षिकी भी नहीं हुई है। सूर्य प्रकाश की पहली पत्नी शशि अपनी दूसरी संतान को अपने पास नई दिल्ली ले जाना चाहती थी और लगातार इसका प्रयास कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। इसी बीच उसकी पहली पत्नी शशि स्थानीय पुलिस के साथ सूर्य प्रकाश के गांव ठेंगा स्थित घर पहुंची, जहां पर वह अपने सास ससुर के पास से रह रहे अपने बेटे को ले जाना चाहती थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने लड़के से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहता है, तब लड़के ने माँ और दादी दोनों में वह अपनी माँ को चुना। इसके बाद वो वैरंग वापस हो गई। यही पर आने के बाद किसी के माध्यम से उसको ये पता चला कि उसको मृत दिखाकर उसकी जमीन का वरासत करा लिया गया है। हालांकि वरासत में उसके ही नाबालिग पुत्र का नाम दर्ज है। लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि जिससे सड़क के किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को शशि औने पौने दामों में किसी के हाथों विक्रय न कर सके। लेकिन कहीं न कहीं तरीका गलत चुना गया। सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी मृतक हुई थी, इसी का लाभ लेते हुए पहली पत्नी को मृतक दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया और उसी के आधार पर वरासत दर्ज कर दी गई। फिलहाल जानकारी होने के उपरांत शशि ओझा पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। ऐसे में आज उप जिलाधिकारी अमेठी प्रीति तिवारी ने मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। क्या शिकायत यहाँ पे लेके आई? शिकायत में ये लेके आई थी कि मैं क्या कहते हैं, मैं ठिंगाहा गांव की पुत्र वधु थी और मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है और उनके पिताजी का नाम राम सत्य ओझा है। और मैं इससे क्या कहते हैं, मेरे पति ने मुझे मृतक घोषित करके मेरी सारी ज़मीन एक नाबालिग मेरे बच्चे नाबालिग के लिए वरासत कर दी है और फर्जी तरीके से मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से मतलब बनवा के उसको क्या कहते हैं वरासत कर दी गई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये हटे। कब से आप इसकी सूचना मिली? मुझे ये सूचना गुप्त तरीके से पता चली थी, तो मैं आई तो यहाँ पे अपनी नकल वगैरह निकाली तो इसमें मुझे मृतक दिखाया गया था। तो जो कि साहब मुझे आप लोग मुझे जिंदा साबित करें, मैं जिंदा हूँ। यहाँ अधिकारी से मिली, क्या बोले अधिकारी, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी जी ने मुझे यही कहा है कि क्या कहते हैं आगे करते हैं कार्यवाही, उन्होंने लिख के ट्रांसफर कर रखा है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य को जल्दी से परेशान है इसके लिए। इस कार्य के लिए मैं 3 दिन से तहसील के चक्कर लगा रही हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैम, एक महिला जो है जिंदा होने का सबूत लेके आपके पास आई थी कि मैं जिंदा हूँ और मुझे मृतक दिखाकर मेरी बैनामी की जमीन को किसी दूसरे के नाम करवा लिया गया, क्या है पूरा मामला? जी, कल रात में 8:30 बजे के करीब एक महिला प्रार्थना पत्र लेके आई थी, ठेंगा क्षेत्र से थी।
और वो ये बता रही थी कि वो जीवित हैं परंतु उनके नाम की वरासत हो गई है और दाखिल खारिज भी दूसरे को उनके पति ने कर दिया है। संभवतः वह वैवाहिक विच्छेद टाइप का कोई प्रकरण था, तो उसका संज्ञान लेके हमने तुरंत उनको बताया कि तहसीलदार कोर्ट में उस बेनामे के खिलाफ आपत्ति लगा दें उसकी दाखिल खारिज ना होने पाए। क्या प्रक्रिया होगी? उनको पूरी प्रक्रिया बता दी गई है कि वो तत्काल एक सिंपल कागज़ पे आवेदन कर दें कि वो बेनामा में त्रुटि है और दाखिल खारिज होने। प्रथम दृष्टिया क्या देखने में आ रहा? अभी इसकी जांच मैंने तहसीलदार को सौंपी हुई है। आज सुबह भी वो पोस्टर लगा के यहाँ आई थी एसडीएम कार्यालय पे। इसका नहीं, मैं मेरिट की बात मैं करूँगी कि उनका कल रात में जो मुझे आवेदन मिला है उसमें यही लिखा था, मैंने उनको प्रॉपर्ली बता भी दिया है कि प्रक्रिया क्या है, कहाँ जाना होगा। अमेठी से नाउ 44 के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।